Hello students, now start करेंगे question number 10. A hemispherical dome of building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square. अब अगर हम बात करें डोम की, डोम के एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप देखो मंदिर के ऊपर, मस्जिद या गुरुद्वारे के ऊपर डोम शेप बनी होती है, क्लियर। अगर मैं इस बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन हटा दूं तो ये हमारे पास ऐसा कुछ डोम होगा, क्लियर। अब इसे हमें पेंट करना है, इनसाइड से पेंट करना है, तो मींस हमें फाइंड करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन हमें गिवन क्या है, जो ये इसका बेस है ये कैसा है, सर्कुलर है, इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें बेस की। सो राइट डाउन सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम गिवन है 17.6 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर 17.6, क्या यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे रेडियस की 17.6, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड गया और ये डिवाइड में आ गए। 2 8s are 16, 11 2s are 11 8s are, 8 2 4s are 7 4s are 28 upon 10, तो रेडियस हमारे पास आ गया 2.8 मीटर। हमारे पास रेडियस नहीं था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। तो मींस हमें पहले फाइंड करेंगे एरिया, कि इसका एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कॉस्ट बताएंगे, क्योंकि हमें दिया है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंटिंग होती है तो उसकी कॉस्ट आती है रुपीज 5। सो स्टार्ट करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल डोम है तो डेट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई इज 22 बाय 7, रेडियस इज 28 अपॉन 10, 28 अपॉन 10, 7 4s are 28, 4 2s are 8, into 22 into 28 upon 100, 22 को 8 से करेंगे, 2 8s are 16 and 1 17, 176 multiply by 28, 8 6s are 48, 2 6s are 12, 4928 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल अप्लाई करेंगे, टू डिजिट्स काउंट करके 1 2, सो 49.28 मीटर स्क्वायर। मींस इस डोम का एरिया तो आ गया इतना। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रुपीज 5। अब ये देखें, जो कॉस्ट हमें दी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दी है, लेकिन जो हमारा एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, जो हम बाद में भी इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लिख दिया रुपीज 5 अपॉन 100। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मींस मुझे यहाँ पे 100, क्योंकि स्क्वायर है तो 200 से डिवाइड करना पड़ा, और अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर करूंगी, ये वाले दोनों 100 इधर मल्टीप्लाई हो गए, सो रुपीज 500 आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 49.28 मीटर स्क्वायर, 49.28 मल्टीप्लाई बाय 500, यहां से डेसिमल हटाया, अपॉन में 100,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 5s are 40, 5 2s are 10 and 4 14. 24640 24,640 rupees. यहाँ पे थोड़ी सी शायद आपको confusion होगी, मैं दोबारा से बता रही हूँ, clear हो जाएगा. एक hemispherical dome है building का, जिसे हमें paint करना है. इसके base की circumference given है 17.6 meter. Base जो है hemisphere का वो है circular, और circle की circumference होती है 2πr, और circumference हमें given है 17.6 meter. पाई की वैल्यू 22/7. यहाँ से हम फाइंड करेंगे रेडियस की वैल्यू, जो 7 इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 और 22 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे. तो रेडियस यहाँ से आया 28/10, इट इज 2.8 मीटर. अब हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², सो 2πr² हमने सॉल्व किया. अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने का, तो आप इसको यहीं पे ही सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो. मैं दूसरे मेथड से करती हूँ, वो आपको इजी लगेगा क्योंकि पहले ही कन्वर्जन हो जाएगी. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. सो 49.28/100. मीटर को सेंटीमीटर में करना है, मीटर स्क्वायर है तो 200 आ जाएंगे. यहाँ से जीरो कैंसिल, क्या आया? 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया. अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹5, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5/100. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 5/100 4928 00, यहाँ से जीरो कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई करने पे 24,640. अगर आपको यहाँ पे आके कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको जो भी मेथड इजी लगे, ये कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा क्योंकि यहीं पे कन्वर्शन हो गई. यहाँ पे जब आप आके कन्वर्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी एरर के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए आप यहीं पे कन्वर्ट कर दीजिए मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में. क्यों? क्योंकि हमें जो कॉस्ट दी है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, क्लियर? तो मैंने यहीं पे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹5, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के लिए 5/100, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5/100 इंटू दिस. सो 24,640 इज द कॉस्ट फॉर पेंटिंग द डॉम. नोट करें.